हेलो फ्रेंड्स, मैं हाँ रुपिंदर कौर। तुम देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानू कराऊंगी ईदर और नीदर नॉर एंड नॉट ओनली ते वट दा यूज़ आपां किवें कर सकते हैं, इन्हां नू लगा के आपां सेंटेंस किवें बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अज दी क्लास। ईदर और, ईदर और हुंदा की है? ईदर और नू पंजाबी च कहने आपां जां तां इह जां फिर ओह, जां दा इह जां ओह। जिवें मैं हुण इक एग्जाम्पल दित्ती, एग्जाम्पल दे नाल क्लीयर हो जूगा। जां मैं आप आवांगा जां किसी नू भेजांगा, उस गल की क्लीयर हो रही है वी? जां तां ओह आप आवेगा जां फिर किसी नू भेजेगा, ठीक है जी। जिते इह लग जावे फिर आपां की लगाउणा हुंदा? ईदर जां और। ईदर आई विल कम माई सैल्फ, ईदर मैं आप आवांगा, और आई सेंड समवन, जां फिर किसी नू भेजांगा, ठीक है जी। जां तां इह जां ओह। एक एक एग्जाम्पल पहले मैं तुहानू पंजाबी टू इंग्लिश करके दिखा रही हूँ, फिर आपां इंग्लिश टू इंग्लिश करांगे। नैक्सट एग्जाम्पल है नीदर ते नॉर। नीदर ते नॉर हुंदा ना तां इह ना तां ओह, एन लग गया मतलब कि नॉट वी नहीं, ठीक है। ना तां मैं गा सकदा ना ही डांस कर सकदा, मतलब कि दोनों काम नहीं कर सकदा, ठीक है। नीदर आई कैन सिंग नॉर आई कैन डांस। सिंपल इनू होर किस वे नाल बना सकते हैं? आई कैन नीदर सिंग नॉर डांस। ये होर अपन इसनों छोटा करता, बट की है जिहड़ा सेंटेंस आ वो इंप्रेसिव बन गया, ठीक है जी। नीदर हुंदा ना तो यह ना तो ओह। इस अपने तीन स्टैप फॉलो करने होंगे भी नीदर किस दे अगे लगना है, ईदर किस दे अगे लगना है, या नॉट ओनली भी यह वर्ब दे अगे लगना है या फिर एडजेक्टिव दे, या दोनों सेम होने चाहिए। वो आप तीन स्टैप्स ने उस मैं तुहानू दसदी हाँ। पहले आप एक एक एग्जाम्पल कर लिए। नैक्सट है नॉट ओनली बट ऑलसो। नॉट ओनली हों ना तो सिर्फ यह पर यह भी, बट ऑलसो जिमें हम सेंटेंस है वह ना सिर्फ परेशान सी बल्कि नाराज भी सी। भी वह सिर्फ परेशान नहीं सी, नाराज भी सी उहदे नाल नाल, ठीक है। सो की आजगा लड़की की गल हो रही है, शी सी लग्या तो वॉज, शी वॉज नॉट ओनली अपसैट बट ऑलसो एंगरी। जो एक सेंटेंस थोड़ा खत्म हो गया अपने कॉमा जरूर लगाना, बट या कोई भी दूसरा अपने जिहड़ी कंजक्शन यूज करने उस तो पहले अपने कॉमा जरूर लाना है। शी वॉज नॉट ओनली अपसैट बट ऑलसो एंगरी। हुण मैं इस दसूंगी भी तुसीं नॉट ओनली किस दे अगे लगाना हुंदा है ते बट ऑलसो किस दे अगे लगाना है। तीन स्टैप्स ने ये अपन नूं जरूर पता होने चाहिए हैं। हुण इहने तीन स्टैप्स जदों अपने ईदर और नीदर नॉर ते नॉट ओनली ते बट ऑलसो दा यूज़ करना, ठीक है जी। फस्ट रूल की है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दा मतलब की है इत्थे कि जिहड़ी अपनी वर्ब है जां तां दोनों वर्ब होने चाहिए हैं। जदों अपने नॉट ओनली ते बट ऑलसो लगाउणा है या ईदर और लगाउणा है, या तां वर्ब होने चाहिए हैं या दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए हैं या फिर दोनों नाउन होने चाहिए हैं उस तो पहला, ठीक है जी। जिस तो पहला लगाउणा है मतलब कि वो वर्ड तो जिहड़े वो है दोनों नाउन होणगे या वर्ब होणगियां या फिर एडजेक्टिव। ए नहीं भी एक नाउन है एक वर्ब है तो उस तो पहला नॉट ओनली नहीं लग सकता या ईदर नहीं लग सकता। ये आप एग्जाम्पल्स करेंगे उहदे नाल तुहानू क्लीयर होगा। सैकेंड रूल की है करैक्ट हैल्पिंग वर्ब। हैल्पिंग वर्ब भी तुहानू देख के लाउणा भी कित्थे इज़ लगना कित्थे आम लगना तो कित्थे आर दा यूज़ करना आपां ने, ठीक है जी। सो वह भी अपने देखना है कि अपने सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, भी फस्ट सब्जेक्ट पर फोकस करनी है या सैकेंड सब्जेक्ट पर फोकस करनी है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल्स करते हैं अपना। नैक्सट है करैक्ट पोजिशन। भी इन्हों की पोजिशन कितने जी अपने इन्हों देखना है भी करैक्ट है या नहीं है, ये भी अपने चैक करना। सो आप नैक्सट एग्जाम्पल्स करते हैं वो थोड़ू ये सारे डाउट्स हैं जोड़े क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है जी। हुण मैं तुहानू दस रही हूँ भी फस्ट रूल का मतलब की है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जां तां जिहड़े आपां ने लगाए ने कंजक्शन नॉट ओनली ते बट ऑलसो, जां तां इह दोने की ने वर्ब तो पहला होने चाहिए हैं, दो वर्ब होने चाहिए हैं जां फिर दो एडजेक्टिव होण जां फिर नाउन होण। हुण आपां देखते हैं, पहला आपां देखते हैं भी कोमल की इहदे विच नाउन ते अपने कोल इज की है वर्ब। इंटैलीजेंट की है किसी चीज़ की विशेषता दसी जा रही है एडजेक्टिव, ये की है एडजेक्टिव अपने कोल, ठीक है जी। उस तो बाद ब्यूटीफुल भी की है एडजेक्टिव।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਵਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ? ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਟ ਆਲਸੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ? ਨਾਟ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਕੋਮਲ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰ ਇਹ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਦੇ ਨੀਦਰ ਨੀਡ ਫੂਡ ਨੋਰ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਨਾਊਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਫੂਡ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵਰਬ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੀਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ? ਦੇ ਨੀਡ, ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨੀਦਰ ਸਪੀਚ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਨੀਦਰ ਫੂਡ ਨੌਰ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਬਰੋਟ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਮੀ, ਹੁਣ ਬਰੋਟ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਵਰਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਬਟ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਰੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ। ਸੋ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਰੋਟ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਸਿਟੀ, ਸਿਟੀ ਬਟ ਆਲਸੋ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਈਦਰ ਨੀਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ, ਕਰੈਕਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੀ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੀ, ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਸ ਫਾਦਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਸੋ ਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਆਉਣਾ? ਇਜ਼ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੂਰਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੀਦਰ ਹਰਸ਼ ਨੋਰ ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਯੂਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ,
नीदर हर्ष, हर्ष की इत्थे सब्जेक्ट आ गया थोड़ा पहला, सैकेंड आ गया थोड़ा फ्रेंड्स, ठीक है जी। हुण सैकेंड सब्जेक्ट ही देखना है अपने, हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की ने हुण इत्थे इह सैकेंड सब्जेक्ट की है थोड़े कोल, प्लूरल है तां इत्थे की आना है आर। जदों थोड़े कोल सैकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तां की आना है आर, सब्जेक्ट टू प्लूरल सी तां करके अपने आर लगाया, इत्थे सैकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर सी तां करके अपने इज लगाया, ठीक है जी। हुण आपां गल करदे हां थर्ड रूल दी, मतलब कि करैक्ट पोजिशन, ठीक है जी। करैक्ट पोजिशन दा मतलब है कि जां तां तुहानूं जदों तुसीं ईदर ऑर यूज़ करना या नीदर नॉर यूज़ करना, या तां सब्जेक्ट होवे या फिर ऑब्जेक्ट होवे। आपां पहलां जदों सिंपल सेंटेंस बणाउंदे सी आपां रूल फॉलो करदे सी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हुण एग्जाम्पल देखदे आपां, ईदर तां कंजंक्शन आ गई, दिनाक्षी की है सब्जेक्ट, लाइक्स की आ गया वर्ब, यह दोनों की आ गए टी एंड कॉफी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुण दो अपने को ऑब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट अपने को एक है, जां सब्जेक्ट दे अगे लगाना जां फिर ऑब्जेक्ट। हुण दो ऑब्जेक्ट है सो लगेगा कि अगे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दे अगे तां और लग गया, सो एक ऑब्जेक्ट दे अगे वर्ब लगी है, वर्ब चेंज होगी तो इत्थे की आ जूगा ईदर, ठीक है। दिनाक्षी सेंटेंस अपना बन जूगा, दिनाक्षी लाइक्स ईदर टी और कॉफी, ठीक है जी। दोनों दे अगे ऑब्जेक्ट दे अगे आ गया ईदर ते और। इधर नेक्स्ट है, नीदर प्रेम विल इनवाइट रणवीर और सतविंदर। हुण इत्थे प्रेम भी सब्जेक्ट अपने कोल, ठीक है जी। हुण देखो जी रूल, देखो इत्थे फाइंड अपर रूल, देखो इत्थे हैगा सब्जेक्ट, हुण नाम तो ये भी है बट ये सब्जेक्ट नहीं है। आपां जिद्दां रूल फॉलो करते सब्जेक्ट हुंदा फिर वर्ब हुंदा फिर ऑब्जेक्ट हुंदा, ठीक है जी। हुण ये हैगा प्रेम तो हैगा अपने कोल सब्जेक्ट, उस तो बाद अपने कोल रणवीर ते सतविंदर की ने ऑब्जेक्ट। ये अपने कोल वर्ब, ठीक है जी। हुण ध्यान रखना है वर्ब तो पहला की होगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब तो बाद की होगा हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। ये जिहड़ा फर्स्ट रूल है उसके नाल ही है लिंक्ड है, जिवें उह च आपां कहा सी वी दो चीज़ां सेम होनी चाहिए, इस भी उदा ही दो चीज़ां सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। हुण आपां लगा देंगे, हुण ध्यान रखना है जिहड़ा सब्जेक्ट है वर्ब तो पहला हुंदा ते ऑब्जेक्ट वर्ब तो बाद हुंदा। इहदा सेंटेंस की बन जूगा अपना, प्रेम विल इनवाइट नीदर, इत्थे की आना सी नॉर आना सी, प्रेम विल इनवाइट नीदर रणवीर नॉर सतविंदर। हुण दोने ऑब्जेक्ट से देखो जी ये उही फस्ट रूल फॉलो हो गया, दोने ऑब्जेक्ट दे अगे अपने लगाता नीदर ते नॉर, ते प्रेम विच की सी सब्जेक्ट, वर्ब तो पहला आ गया सब्जेक्ट, वर्ब तो बाद हुंदा ऑब्जेक्ट। अज दा तुहाडा होमवर्क है, फस्ट है वह ना सिर्फ टैलीविजन लई नाटक लिखती है बल्कि वह फिल्मां विच भी कम करती है। सैकेंड, उस कमरे विच जां तां गुरप्रीत है जां तां नरिंदर है। थर्ड, उसने ना सिर्फ पिज़्ज़ा खाधा बल्कि सोडा भी पीता। फोर्थ, ना तां टीचर क्लास विच सी ना तां बच्चे क्लास विच सी। फिफ्थ, जां तां राजविंदर जां फिर तुसीं झूठ बोल रहे हो। ओके फ्रेंड्स, ये सी तुहाडा अज दा होमवर्क। जे तुहानूं मेरी क्लास चंगी लगी तां प्लीज़ मेरी वीडियो ते लाइक करो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन ते जरूर क्लिक करो तां कि आउण वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। मेरी वीडियोज़ नूं देखण दे लई मैं तुहाडा दिलों धन्नवाद करदी हाँ। ओके जी, मिलदे हां नवीं वीडियो दे नाल, बाय बाय, टेक केयर।